Vishal, Bhavya. Shiv, Mahashiv, यह है विख्यात नटराज मंदिर। 9वीं शताब्दी में चोल राजाओं द्वारा बनाया गया यह मंदिर आज भी अपनी विशालता और भव्यता से हमारी आंखों को चकाचौंध कर देता है। तमिलनाडु के चिदंबरम शहर की आत्मा यह मंदिर वर्षों से पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। शिव की विभिन्न मुद्राओं के साथ नटराज रूपी परम मुद्रा का भव्य दर्शन कला और आध्यात्म का एक अनूठा संगम प्रस्तुत करता है। मंदिर में प्रवेश करते ही दिखाई पड़ते हैं विशाल और भव्य गोपुरम। रंग बिरंगी मूर्तियों से सजे ये गोपुरम और उन पर की गई नक्काशी इनकी सुंदरता में चार चांद लगाते हैं। गोपुरम पर नृत्य करती आकृतियों को देखकर मन भाव विभोर हो जाता है। इन पर बहुत बारीकी से कारीगरी का कौशल दिखाया गया है। यहीं पर स्थित है हजार स्तंभों से बना भवन जो अपनी स्थापत्य कला का बेजोड़ प्रदर्शन करता है। इस भवन के प्रांगण में है पवित्र तालाब जिसे शिव गंगा ताल के नाम से जाना जाता है। ताल में स्नान कर श्रद्धालु एवं पर्यटक स्वयं को पवित्र एवं आनंदित महसूस करते हैं। मंदिर के बाहर ही खड़ा है अद्भुत और आकर्षक रथ। इसमें भगवान नटराज की शोभा यात्रा बड़े धूमधाम से निकाली जाती है। रथ पर की गई नक्काशी सभी को आकर्षित करती है। मूर्तिकला और स्थापत्य कला का अनुपम उदाहरण प्रस्तुत करता ये मंदिर तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को बरबस ही अपनी ओर खींचता है। शहर से बाहर निकलते ही प्रकृति का वो स्वप्न दृश्य दिखता है जो हकीकत में आपके सामने होता है। लहलाते खेत, स्वच्छंदता से उड़ते पक्षी, ऐसा लगता है आपको बुला रहे हों कि आओ और सारे बंधनों को छोड़ के प्रकृति के इस आनंदमय क्षणों में खुद को भूल जाओ। अभी आपकी खोज शुरू ही होती है, तब तक आप वो खोज लेते हैं जो प्रकृति को एक रहस्यमय रूप देता है। जी हाँ, आपके सामने है पिचावरम मैंग्रोव फॉरेस्ट जो चिदंबरम से मात्र 16 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ 1700 छोटे बड़े द्वीप हैं। पानी में डूबी हुई जड़ें और विभिन्न किस्म के पेड़ पौधे इन द्वीपों को अत्याधिक मनमोहक बनाते हैं। नाव द्वारा इनसे गुजरना रोमांच का अनुभव कराता है। कभी घुप अंधेरा तो कभी पानी पर गिरती सूरज की झिलमिलाती किरणें मन को आनंद से भर देती हैं। पर्यटक यहां आकर इसके सौंदर्य और नौकायान का भरपूर आनंद उठाते हैं। इस प्राकृतिक छटा और पक्षियों के कोलाहल से मन स्वतः ही प्रफुल्लित हो जाता है।